सिम्फनी एकेडमी की क्लास 9 की हिंदी ग्रामर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने काव्य बोध के भेद के बारे में पढ़ा था। अब हमारा प्रबंध काव्य के उपभेद है हमारा महाकाव्य, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो महाकाव्य होता है कि जो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य की विशेषताएं या लक्षण बताए गए। तो हमारा है सबसे पहला कि महाकाव्य सर्ग गद्य तथा शब्द प्रबंध रचना है। जो महाकाव्य होता है वो हमारा विशेष काव्य रचना होता है, जैसे कि हमारी रामायण। तो इसमें शब्द भी होते हैं, इसमें आठ है, आठ या इससे अधिक सर्ग होना अनिवार्य होता है। तो पहला है हमारे इसमें आठ सर्ग या उससे अधिक सर्ग होना आवश्यक होता है, और इसमें प्रत्येक सर्ग जो उत्तरो दर्शन गद्य तथा विभिन्न इसमें छंद होना आवश्यक होता है। छंद, दोहा, श्रोता, तो ये सब होना इसमें अनिवार्य होता है। इसमें महाकाव्य का नायक होता है, जो नायक होता है जैसे कि हमारे राम जी हैं, तो उनका जो धीरुधर जो गुणों वाले होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, और उनके जो चरित्र है वो देवताओं वाला होना चाहिए, अथवा कुलीन और उच्च वंश का होना चाहिए। और इसमें जो हमारे महाकाव्य है उसमें रस होना भी अनिवार्य होता है, जैसे कि शिकार रस है, हमारा वीर रस है, शांत रस है, तो ये सब उसमें रस रूपी होना भी इनमें प्रधानता होती है, और ये रस होना भी उसमें अनिवार्य होता है। ऐसा ही है जो भी कथा होती है, कथानक होता है, वो ऐतिहासिक होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, और कथानक ऐतिहासिक तथा जो सज्जन चरित्र से जुड़ा होना चाहिए। वातावरण में क्या होना चाहिए, चित्रण होना चाहिए। अब यहाँ का जो नामकरण है, नायक है, नायिका है, घटना, उद्देश्य अथवा स्थान के आधार पर होना चाहिए। अब ये सब हमारी महाकाव्य की लक्षण या विशेषताएं थी, ठीक है। ये हमारी महाकाव्य की विशेषताएं, जैसे कि महाकाव्य की जैसे उदाहरण है तो हमारा है रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, और एक मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत, ये सब हमारे क्या है, महाकाव्य, और ये जय शंकर प्रसाद द्वारा ये हमारे काम आए।